हेलो everyone, welcome to टू Brains. I'm आई नरेंदू your you जी के ओ दट इंटरनेशनल जे के ओलम्पियाल एजुकेशन फॉर ग्रेट नाइन्थ एंड यू कैन सी आज का जो हमारा टॉपिक है कोर्स आपको मालूम है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं जो पढ़ाई हम कर रहे हैं आई में क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है हम कंसेप्ट कवर करते जा रहे हैं राइट right? तो हमने किंगडम प्लांटे कर लिया किंगडम एनिमीलिया कर लिया अब किंगडम एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं किंगडम एनवायरमेंट लाइक एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो भी हमारा जो कंसेप्ट है वो एंड पे आ गया है हमने बहुत सारे वीडियोस इस पर किए हैं इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है मैं आपको वैसे भी बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है हर लिहाज से क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में आप बात करते हैं तो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा वो तो ठीक है अपनी जगह पर उसके अलावा बहुत सारे आपने करंट अफेयर्स में ऐसे मैंने वीडियोज़ पढ़े होंगे देखे होंगे जिसमें इन्वायरमेंट हमने काफ़ी बड़े उस पर डिस्कशन किया है शॉर्टी नोट्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किया है क्योंकि इन्वायरमेंट अभी जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर अगर आप रिपोर्ट्स की बात करते हैं चाहे आपके गाली एग्रीमेंट से लेके आप आईपीसीसी के रिपोर्ट से लेके आप पैरिस एग्रीमेंट से लेके आप कहीं पे भी बात कीजिए तो अभी पूरे विश्व का एक अगर एक अगर आप मान के चलते हैं वन एक कार्यक्रम जो है पूरी दुनिया जिस पे एक चीज पे एक ऐसी ऐसा मुद्दा है जिसपे पूरी दुनिया सहमत है वो क्या है वो एनवायरमेंट है ना क्लाइमेट चेंज से आपको साथ में मिलकर इसको इसका मुकाबला करना है साथ में मिलकर आपको ओवरकम करना है तो इस पर इंडिया में भी अपने आप में बहुत सारे नए नए जो चीज़ें हैं नई नई जो आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स हैं वो रन किए जा रहे हैं बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं इंडिया की जो गवर्नमेंट है क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा तो ये सब कुछ हमने इन्वायरमेंट में कवर किया है तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बिल्कुल गाठ बांध लेना और बहुत अच्छे से इसके बारे में सुनना समझना पढ़ाई करना ठीक है पूरा पहले का पढ़ लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट लेवल के हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिगनल लेवल हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब इसके बाद आएगा एडवांस लेवल वो थोड़े से और टफ क्वेश्चन हो सकते हैं कंपेरिटिवली ये सब कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे हम पूछेंगे इसमें से कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन नहीं किया है ठीक है तो कोई इंटरमीडिएट होने वाली बात नहीं है लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना है मैग्नेट ब्रेन में आपको मालूम है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो ये होता है कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन तब सब तक पहुंचनी चाहिए है ना उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के हिसाब से पुराने पेपर्स चार आपने पढ़ लिए एंड हो गया ये एग्जामिनेशन कम से कम जो दे रहे हो ना जो जी का एग्जामिनेशन दे रहे हो ओलंपियाड का दे रहे हो ये कोई कम्पल्सरी एग्जाम नहीं है या आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट है जी में राइट और आपको मालूम है कि वेटेज कितनी है तो इसके लिए अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो पूरा होलिस्टिक नॉलेज लेके चलोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है शॉर्ट से इसमें काम नहीं चलेगा क्योंकि शॉर्टकट का लिया हुआ रास्ता जो है ना बहुत लंबे टाइम तक आपको लेके कहीं नहीं जाता राइट तो इसी अप्रोच के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज और अपन बात करने वाले हैं एनवायरमेंट के इंटरमीडिएट लेवल के एमसीक्यूज ठीक है अब एटमोस्फेयरिक पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एटमोस्फेयरिक लेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लाउड्स किस लेयर में होते हैं सबसे ज़्यादा क्लाउड्स मतलब जो देखते हैं जो हम अप, अपना जो हम आसमान देखते हैं राइट right? तो आप देखते हैं तो आपको जो बादल दिखाई देते हैं वो सबसे सब सब ज़्यादा कहाँ पर होते हैं इसकी बात हो रही है अब आपको मालूम है इसमें एक चीज़ है कि जब मैं बात करती हूँ ड्रिपोस्फेयर की आपको मालूम है कि एटमोस्फेयर को हम अलग अलग लेयर्स में या स्केल्स बोलते हैं उसको ठीक है उनको लेयर्स को या आप बोलते हैं उनको स्केल्स स्केल्स में डिवाइड किया जाता है ठीक है स्केल्स में डिवाइड किया जाता है उनको आप लेयर्स बोलते हैं या स्केल्स बोलते हैं स्केल्स में क्या होता है स्केल्स में आपको मालूम है कि प्राइमरी लेयर्स क्या होती है एटमॉसफेयर की प्राइमरी लेयर जब हम बात करते हैं तो एटमॉसफेयर का सबसे बड़ा मतलब है आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट मतलब क्या हर वो चीज़ जो हमें कवर करती है एनवायरन है ना वो हमने चीज़ पढ़ी क्या है फ्रेंच वर्ड से आया था एनी थिंग दैट सराउंडर्स उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं उसमें अलग अलग चीज़ हमने क्या पढ़ी थी उसमें अलग अलग हमने लेवल्स uh, पढ़े थे राइट हमने लेथॉस्फेर पढ़ा था हाइड्रॉसफेयर पढ़ा था एटमॉसफेयर पढ़ा था सोन एंड सोफोर्थ अब इसमें जो हाइड्रोस्फीयर था वो हम जानते हैं पानी का था ठीक है एनीथिंग परटेनिंग टू वाटर वाज हाइड्रोस्फीयर नाउ एनीथिंग परटेनिंग टू एयर वाज एटमॉस्फेयर ये चीज क्लियर है हमें इसमें जब स्केल्स की हम बात करते हैं तो लेयर कौन सी है प्राइमरी अगर हम बात करते हैं तो लेयर्स की हम बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फीयर की ठीक है ट्रिपोस्पियर की स्टाटोस्फियर की मिसोस्पियर की थर्मोस्फीयर की एग्जोस्फीयर एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी लेयर में कंसिडर उतना लोग नहीं करते हैं कई साइंटिस्ट हैं बेंच ऑफ साइंटिस्ट हैं बेंच ऑफ साइंटिस्ट जिसको प्राइमरी लेयर में कंसिडर नहीं करते ठीक है मतलब इसमें अगर अपन चार लेयर मानी जाती है वैसे पाँच मानी जाती है लेकिन चार लेयर को कहते हैं कई साइंटिस्ट हैं जो करते भी हैं कई साइंटिस्ट जो हैं वो इस व्यू के हैं जो नहीं करते राइट तो इसमें जब हम बात करते हैं तो उसमें आप तकरीबन मान लीजिए अर्थ सरफेस से आप तकरीबन आठ से दस किलोमीटर का दायरा मान लीजिए ठीक है डिस्टेंस वाइज अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ तो ये जो होता है ये होता है आपका ट्रिपॉस्पेयर अब आपको मालूम है कि जब आप एलिवेशन पे जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो अक्सर आपको लगता होगा कि आपको वहाँ ऊपर जब चोटी पे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि नीचे नीचे बादल जो हैं वो आपको बादल नीचे दिखाई देते हैं है ना वो बादल आपको नीचे दिखाई देते हैं ऊपर आप देखेंगे तो आपको खुला आसमान दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोहरे की चादर या बिल्कुल बोलते हैं ना कॉटन वूल जो है किसी ने जमीन पर पुर पूरा आपके नीचे जो है वो बिछा दिया है आप किसी बहुत ऊँची चोटी पर जाइएगा कभी अगर आप हिमाचल प्रदेश में गए हैं या अगर आप कभी जिसको बोलते हैं कि अगर आप ऊपर उत्तरा उत्तराखंड या उत्तरकाशी की तरफ गए हैं तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि बादल जो हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं या नीचे चलते हैं कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे बादल जो हैं वो इतना साथ चलते हैं कि लोग जो है वो फ़र्क नहीं महसूस कर पाते कि जो सड़क पे जो आ रहे हैं ये बादल है कि कोहरा है राइट तो उस पर अगर आप ऊपर खड़े होते हैं तो बादल आपको जो चादर नीचे दिखाई देती है वो आपको कहाँ दिखाई देती है क्योंकि आप इतने एलिवेशन पे हैं राइट तो आपको ये बात समझ में आती है कि बादल जो है वो तकरीबन किस किस लेयर में रहते होंगे वो रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में ठीक है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको खुला आसमान दिखेगा तो फिर ऊपर की जो लेयर है वो आपको स्ट्रोटोस्पेयर नजर आती है तो पहला जो है वो आ गया ट्रोपोस्पेयर मतलब आठ से दस किलोमीटर जो जमीन का जो सर्फेस है उससे आठ से दस किलोमीटर ऊपर सॉरी नाउ एन एल्टीट्यूड ऑफ हंड्रेड किलोमीटर दैट इज सिक्सटी टू एम आई या थ्री थाउजेंड या थ्री लाख थर्टी मार्क्स अर्थ बिगनिंग ऑफ स्पेस ह्यूमन एस्ट्रोनॉट ठीक है इसको क्या कहा जाता है ये जो बात की जाती है इसको बोला जाता है जो अगर आप फेडरेशन बात करते हैं अगर आप फेडरेशन एफ ए आई करके है इंटरनेशनल फेडरेशन बोला जाता है इसको फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक इंटरनेशनल्स uh, की जो फेडरेशन है उसके लिए बोला जाता है उसने इस लाइन को डिफाइन किया है और ये वो लाइन बोली जाती है जहां से आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इस बिग्ने इस लाइन के ऊपर एल्टीट्यूड जो है सौ किलोमीटर के ऊपर अगर आप कंसिडर करते हैं अर्थ के लेवल से सी लेवल से तो मार्क किया जाता है कि यहाँ से अब स्पेस जो है वो शुरुआत हो गई अगर आप इसके ऊपर चले गए हैं तो आप कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट हैं राइट अगर आप इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो यू आर इधर ऑ कॉस्मोनॉट और एन एस्ट्रोनॉट ठीक है ये कंसिडर किया जाता है जो ह्यूमन ट्रैवलर्स और उसको कहा जाता है

दी स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है और बड़ा सिंपल सा है ये तो हम जानते हैं कि ये मतलब ये तो आपको बहुत सिंपल सा है क्लाइमेटोलॉजी ऑफकोर्स आप समझ रहे हैं कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट होगा राइट और मेट्रोलॉजी कहा जाता है किसको स्टडी ऑफ वेदर अब क्लाइमेट और वेदर जो है नॉर्मली लोग इंटरचेंजबल समझते हैं या एक दूसरे का सिनोनमस समझते हैं पर ऐसा नहीं होता राइट इन दोनों में क्या फ़र्क है क्या इन दोनों में अंतर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे अब एरोनोमी जो है वो स्टडी बोली जाती है जब आप अपर एटमोसफेयर की करते हैं और एरोलॉजी भी आप एटमोसफेयर की स्टडी को बोलते हैं ठीक है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं आप बात करते हैं जब आप बात करते हैं किसकी एटमॉस्फेयर की वेदर की क्लाइमेट की, की लेकिन ये टर्मोलॉजी जो है अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करती है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑलराइट नाउ right. अब जैसे कि इसका आंसर मैंने हालांकि आपको जो पहला क्वेश्चन किया था उसी में मैंने काफ़ी हद तक आपको दे दिया था कि इनमें से वो कौन सी लेयर है जिसको हम प्राइमरी लेयर कंसिडर नहीं करते एटमोसफेयर की हालांकि पांच लेयर्स मानी जाती हैं एटमोसफेयर के या पांच स्केल्स माने जाते हैं एटमोसफेयर के लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये लेयर जो है नॉर्मली कई साइंटिस्ट इसको प्राइमरी लेयर कंसिडर नहीं करते क्योंकि इसको कहा जाता है जो उसका स्केल बोला जाता है वो आप मान लीजिए तकरीबन 400 किलोमीटर से ऊपर माना जाता है ठीक है 400 किलोमीटर से ज्यादा माना जाता है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे एयर वैक्यूम बन जाता है और ये जो है आउटर स्पेस में मर्ज हो जाती है नो लाइन इनफाइनाइट स्पेस इस वजह से इसको एटमोस्फेयर की लेयर नहीं माना जाता प्राइमरी बट दिस इज वन स्कूल ऑफ था अदर स्कूल ऑफ था कंसिडर फाइव लेयर्स जिसमें ये सारे आते हैं right? तो आंसर जो है वो एग्जॉस्फेयर है यहाँ पे <coughs> लेकिन नेक्स्ट पे अपन आ जाते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात कर लेते हैं व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और क्या बोला जाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है या कहा से चेक किया जाता आपको है आपको मालूम है बैरोमीटर से चेक किया जाता है ठीक है अब इसमें पासकल्स बोला जाता है या मिलीबार के थ्रू भी इसको किया जाता है मतलब इसमें अगर आप समझने की कोशिश करें तो कैसा होगा अगर आप इसको ये करते हैं तो उसमें पॉइंट अगर आप लगा देंगे पॉइंट टू फाइव अगर आप कर देंगे इसको तो ये मिलीबार हो जाएगा ठीक है और इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहां पे मैंने आपको आंसर ऑलरेडी मार्क कर दिया है आंसर जो है वो है वन जीरो मार्जर किया जाता है जो यूनिट होता है वो मिलीबार होता है या पास्कल्स होता है वर्ड जो है इकोलॉजी कहां से आया है या किसने टर्म किया है अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जब हम इनकी बात करते हैं ग्रेगरी मेंडल की हमने बात की थी तो इनके बारे में हमने पढ़ा भी है इनके बारे में जब हमने फेमस साइंटिस्ट वगैरह पढ़े थे किंगडम एनिविलिया में किंगडम प्लांटे में तब आपको नाम याद आएगा कि मैंने ग्रेगरी मेंडल के बारे में आपको बताया हुआ है ठीक है चार्ल्स ऑफ कोर्स हम जानते हैं एज अ फादर ऑफ एवोल्यूशन हम इनको जानते हैं राइट right? अब इसमें जो नाम आ जाता है वो आ जाता है अर्स्ट हैकल का अर्स्ट ठेकल जो है अगर हम इनकी बात करते हैं तो अर्स्ट ठेकल ने बेसिकली पाथवे एवोल्यूशनरी पाथवे की बात की थी अक्रॉस डिफरेंट जीन्स और इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा शोध किया था काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी और इकोलॉजी का जो टर्म है इकोलॉजी का जो टर्म है बेसिकली वो एन्वायरमेंट के कंटेक्सट में और आपकी इकोलॉजिकल जो एन्वायरमेंटल एवोल्यूशन के पाथवे हैं उसके कॉन्टेक्सट में इकोलॉजी का जो टर्म है अर्स्ट ठेकल लाए थे तो ही इज नोन इज

saprophyte ये अगेन जब मैंने आपको किंगडम फाइलम पढ़ाया था जब मैंने आपको किंगडम एनिमिलिया पढ़ाया था तब तो मैंने आपको बताया भी था कि saprophytes बेसिकली वो होते हैं जो कि डेड में या decaying ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं उनको हम बोलते हैं saprophyte ठीक है saprophytes होते हैं नॉर्मली अगर आप बात करते हैं फंजाई की या इनमें से अगर आप बात करते हैं जो कि फ़ीड करते हैं डेड या डिकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर पर उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स एथोलॉजिस्ट कौन होते हैं एथोलॉजिस्ट कौन होते हैं एथोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल के बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और वो किस तरह के हैबिटेट में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह से रिस्पोंड कर रहे हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसी है उनकी गेस्टेशन साइकिल कैसी है सब कुछ ये जो स्टडी करते हैं उनको बेसिकली आप बोलते हैं एथोलॉजिस्ट और ये बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इनका पूरा का पूरा जिसको आप कहते हैं कि इनका स्पेशलाइजेशन की जो होती है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और इनके हर अलग अलग, अलग आप कह सकते हैं प्राकृतिक में 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 अलग अलग में, अलग अलग वेदर तरह तरह के क्लाइमेट में, इनके किस प्रकृतिक रिएक्शन रहता है या किस तरह का इनका बिहेवियरल पैटर्न रहता है उसको ये स्टडी करते हैं ठीक है तो आपको आंसर मिल गया है एट का एथनोलॉजिस्ट कौन होते हैं वो बेसिकली वो साइंटिस्ट होते हैं जो के काम करते हैं स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आप टेरिकुलस एनिमल्स कौन से होते हैं ये भी मैंने जब आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था उनके बारे में किंगडम एनिमीलिया में तो मैंने आपको बताया था और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं कि ये आपके जो प्राइमरी अगर आप बात करते हैं फूड चेन की या फूड वेब की या लाइफ वेब की तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये ज़्यादातर डेट्रीवर्स होते हैं या फिर डी भी इनको कहा जाता है एक एक मतलब सारे जो होते हैं वो नहीं होते हैं डी लेकिन इनमें से काफ़ी सारे डेट्रीवर्स या डी भी होते हैं जो कि आपके लिए क्या काम करते करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी का काम करते हैं क्योंकि ये सॉइल में ही रहते हैं ठीक है और ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं और ये क्या करते हैं एक तरह से जो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनके लिए फर्टिलिटी के का स्त्रोत जो है फर्टाइल सॉइल जो है ये मुहैया कराते हैं तो ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जो कि दे लिव इन द सॉइल और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं तो इनको आप अर्थ भी कह सकते हैं राइट अर्थ वर्म अगर आप समझते हैं तो अर्थ वर्म इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगेन यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज हर डेटरी वोर या हर डीकम्पोजर जो होता है वो टेरिकुलस एनिमल नहीं होता लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो होते हैं जैसे अर्थ वर्म भी इसमें से आता है अब एबोरियल आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं अगेन मैं आपसे बोलूंगी कि भाई ये बातें जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आर्बोरियल एनिमल्स बड़े सिंपली वो होते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दू तो प्रीमेट्स जो होते हैं वो आर्बोरियल होते हैं गबून जो होते हैं वो आर्बोरियल होते हैं आ... जो इनकी आप बात करेंगे क्वला जो होते हैं वो आर्बोरियल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं कहाँ लटके हुए पाए जाते हैं ये लटके हुए पाए जाते हैं आपको पेड़ों पे राइट तो आर्बोरियल की अगर आप हाँ बात करते हैं तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर आपको पेड़ों पर पे रहते हुए मिलेंगे ठीक है तो इसमें ग्री ट्री पैंथन से पाइथन से लेकर अगर आप जाइंट स्क्रल तक बात करते हैं तो ये सारे के सारे आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं अब हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ एवोल्यूशन ये आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बता दिया था इनकी जो किताब है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वो अपने आप में एक लैंडमार्क किताब है स्पीशीज ये अपने आप में एक लैंडमार्क किताब मानी जाती है और हम बात किसकी कर रहे हैं आपको मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट जो चार्ल्स डार्विन जिन्होंने पूरी के पूरी अगर आप बात करते हैं तो नाइनटीन हंड्रेड्स में जब बात की जाती है तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी जो पूरा का पूरा थाट प्रोसेस था जो जो क्रिस्चानिटी इतनी ज़्यादा यूरोप में फैली हुई थी कि जिसमें आप बात करते हैं कि जो लाइफ एडम ईव की जब थ्योरीज आती थी उसका आप एक तरह से कह सकते हैं कि कन्फ्यूट करके रख दिया था बिलीफ को तो चार्ल्स डाविन के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं और उनको फादर ऑफ रेवल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेसिकली ये एडम और ईव वाला जो फंडा है ये काम नहीं करता साइंस में एवरी इज़ अबाउट अगर जो जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो कहाँ से आती है आपने आप कहीं से इवॉल्व हुए हैं आपकी उत्पत्ति जो है वो एकदम से अचानक नहीं हुई है आप इवॉल्व बीइंग हैं और आप मिलियन एंड बिलियन ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन के बाद इस स्टेज पे आए हैं जहां आज आप हैं और इनकी थ्योरी एक और क्या बोली जाती है इनकी थ्योरी बोली जाती है कौन सी सर्वाइवल जो आज भी सबसे बढ़िया थ्योरी मानी जाती है जब आप इवन वॉरफेयर मैकेनिज्म की बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा सक्षम है वो ही जिंदा रहेगा ठीक है ये जो थ्योरी है ये सबसे बड़ी थ्योरी मानी जाती है और ये दी थी हमें किसने चार्ल्स डाविन ने और इनमें से एन्फीबियन कौन सा है कम ऑन एम्फीबियन तो आपको मालूम है यार ये अपन ने जब पढ़ा था ना तो उसके ऊपर अपन पूर ने पूरा डिस्कशन किया है एम्फीबियंस के ऊपर रेप्टाइल्स के ऊपर और हमने पूरा एव्स के ऊपर और मैमल्स के ऊपर तो ये सब कुछ आपको क्लियर है हमने इस पर्टिकुलर प्रजाति के ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन किया है इसमें से एम्फीबियन कौन से हैं एम्फीबियन बेसिकली सिलेमेंडर्स जो हैं एम्फीबियन होते हैं इनके ऊपर हमने पूरा पूरा डिस्कशन किया था किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं क्या इनका सब फाइला है हमने सब कुछ डिस्कस किया था तो ये आंसर आप जानते हैं इस वजह से हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन फर्दर मोर नहीं कर रहे हैं अब सेफ लेवल ऑफ नॉइज इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमंस क्या है अगर हम सेफ लेवल की बात करते हैं नॉइज इंटेंसिटी की तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे कि इसमें दो चीजें हैं ठीक है थीके? अगर हम जो आपस में खुसफुसाहट करते हैं ना फुसफुस फुसफुस -फुस करके जो हम बात करते हैं अगर हम उसकी बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे मैं आपसे बहुत धीरे धीरे अगर कुछ बोलू तो ये जो होगा ये होगा डेसिबल ठीक है तकरीबन तीस डेसिबल जो नॉर्मल अपन बातचीत करते हैं नॉर्मल अपन जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कितना होता है अगर आप विस्पर की बात करते हैं तो विस्पर तकरीबन माना जाता है ये औसतन है है ना ठीक है इसको काउंट कैसे किया जाता है डेसिबल में किया जाता है Whispush होती है तकरीबन तीस डेसिबल होती है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अगर मैं लिखूँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अगर मैं लिखूँ तो आप मान लीजिए तकरीबन साठ डिस, साठ डेसिबल तक होती है ठीक है इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं अगर हम कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम तक आ, एक एक्सपोजर की बात करते हैं अगर हमारे कान एक्सपोज रहते हैं सत्तर डेसिबल की आवाज़ तक या सत्तर डेसिबल के ऊपर की आवाज़ तक तो सत्तर डेसिबल के ऊपर अगर हमारी आवाज़ जाती है एंड वी आर एक्सपोज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम थोड़े बहुत ही बात नहीं हो रही है लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम जैसे कि स्ट्रीट में जो बहुत तेज चलती हुई गाड़ियां हैं स्ट्रीट की है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उससे एक्सपोज होंगे तो वो आपकी बेसिकली सुनने की क्षमता को जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है ठीक है सत्तर डेसिबल के ऊपर लेकिन अगर आप बात करते हैं अगर आप 80 डेसिबल के ऊपर चले जाते हैं और आप बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोज हैं उस चीज़ से तो वो आपको हेयरिंग इम्पेमेंट दे सकता है राइट तो हम इसको सेफ क्या बोलेंगे सेफ़ इसमें हम बोलेंगे सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज इंटेंसिटी हम बोलेंगे इसलिए तकरीबन सत्तर डेसिबल हमारे लिए सेफ होती है उसके ऊपर हमारे लिए हानिकारक हो सकती है अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन द लेंथ ऑफ टाइम दैट वी आर एक्सपोजिंग आर सेल्स और आर ईयर्स टू दैट नॉइज़ ठीक है उसके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन सत्तर डेसिबल के अंदर अंदर तक वो सेफ मानी जाती है नाउ एक और चीज जो हम डिस्कस कर ले कि मीनिंग क्या है इस टर्म का नाउ जब मैं बात कर रही हूँ <coughs> मैंने आपको बहुत बार बातें जब पढ़ाई थी समझाई थी तो मैंने टर्म भी आपको बताया था एबिस्िलो एबिजो एक तो कोई वर्ड अगर समझने की कोशिश करना है ना सबसे पहले अगर कोई टर्म नहीं मालूम है तो उसको डिवाइड करके पढ़ने की बात करो एबिजो पेलेजिक ठीक है एबिजो पेलेजिक अब इसमें एबिजो की जब हम बात करते हैं तो एबिस किसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में एबिस को उसको बोलते हैं गड्ढे को जिसका कोई अंत नहीं होता बहुत गहरा जो खाई होती है उसको हम बोलते हैं एबिस है ना तो आपने ये टर्म सुनाऊंगा एबिस मिल या एबिस या बिल्कुल बिल्कुल जिसको खाई जिसमें आप नीचे का आप तला नहीं देख पाते उसको बोलते हैं एबिस मतलब बहुत गहरा खाई जो होती है उसको तो अब इससे आपको एबिजो पेलेजिक से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि टर्म जब एबिस की बात हो रही है तो मतलब क्या बात हो रही है बहुत गहरा तो इसमें आपको बता दें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर डेप्थ में रहते हैं जहाँ पे 2000 मीटर से ज्यादा की गहराई है दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म जो कि रहते, है है। रहते हैं वाटर डेप्थ में जहाँ पे 4000 मीटर से ज्यादा की गहराई है ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं डीपर देन थ्री थाउजेंड मीटर्स तो अगर हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं तो उसको इस तरह से देखते हैं पहली बात यहाँ पे आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ ओशनिक जोन किस तरह से किया जाता है ठीक है ये आपका नॉर्मल लेवल है सी लेवल माना जाता है ठीक है ये जो है अगर आप इसमें जैसे कि एटमोसफेयर के लेवल्स होते हैं वैसे ही सी लेवल्स में भी डिफरेंस होता है जब आप नीचे जाते हैं तो ठीक है अब इसमें आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको मालूम है क्या होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब आपको समझाया जाता है तो देखिए जो एकदम गिरावट आती है ना इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं जिसमें से ये जो है ये जो चीज़ है इसको आप बोलेंगे एक्जैक्टली कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये जो है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ से फिर आप डिप करेंगे नीचे ठीक है ये जो आगे आपका ये आगे आपका कॉन्टिनेंटल बैरियर ठीक है इसके नीचे यहाँ से जो आगे आपका ये आया कॉन्टिनेंटल राइस ठीक है और ये जो है आपका नीचे फिर यहां से आया आपका कॉन्टिनेंटल बेसन या फिर ओशन बेसन आप इसको कहेंगे अब इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें अगर अपन बात करने की बात करते हैं तो एपीपेलोजिक जोन की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है पानी का जो सतह रहती है उससे 200 मीटर नीचे तक का जो है यहाँ पे ज़्यादातर मछलियाँ मछलियां जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मछलियाँ और काफ़ी सारी लाइफ का जो फॉर्म्स हैं वो दिखते हैं मतलब सी फॉर्म्स दिखते हैं आपको तो ये कहा जाता है एपीपेलेजिक जोन ठीक है तो ये सौ से दो मीटर तक आसपास होता है इसके बाद जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है मीसोपेलजिक मीसोपेलजिक जोन जो होता है जहां पे स्कूबा डाइवर्स वगैरह डाइव करते हैं ये वो वाला जोन कहलाता है ठीक है इसको आप तकरीबन कहा जाता है कि डाइव अगर आप कर रहे हैं तो 200 से 1000 मीटर्स तक की जो डेप्थ है उसको मेसोपेलजिक जोन बोला जाता है ठीक है इसके बाद जब आप बात करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है बेथीपेलजिक जोन ये तकरीबन माना जाता है हजार से तीन मीटर तक मतलब ये भी काफी गहरा जोन माना जाता है ठीक है यहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज की जो किरने हैं तो बहुत धूमिल हो जाती हैं, तकरीबन गायब होने लगती हैं, ठीक है ठीके? ये वो जोन है जहां पे आप वेल्स को देखेंगे या फिर आप जहां पे देखेंगे जहां पे आपको जेली फिशर्स मिलेंगी ये वो जोन कहलाता है और इसके नीचे का जो, जो जोन कहलाता है हम उसकी बात करने वाले हैं एबिसोपेलिजिक जोन जो कि आप तकरीबन मान सकते हैं तीन हजार से छह हजार मीटर तक का गहरा होता है यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो एंगलर फिश और लैंटन फिश या आप बात करते हैं वो डम्बो ऑक्टोपस इस तरह की प्रजातियाँ आपको यहाँ देखने मिलेंगी और ये बहुत बहुत गहरा जोन है अगर आप जमीन आप सी लेवल के नीचे बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है यहाँ पे और आप तीन से छः मीटर नीचे जाने की बात कर रहे हैं राइट मतलब तकरीबन अगर आप बात करें बड़ी बड़ी अगर जो जो माउंटेन पीक्स होती हैं अगर आप उनको इन्वर्ट करने की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे गहराई पे आप जाने की बात कर रहे हैं उसके नीचे जो होता है वो होता है आपका हेडोपेलजिक जोन जो तकरीबन उसके 6000 मीटर से नीचे होता है और यहां की इसके नीचे की जो गहराई है वो नापना हमारे लिए ऑलमोस्ट असंभव है तो अभी हम बात कर रहे हैं एबेलिक की जो कि सेकेंड लास्ट जोन माना जाता है और इसमें आप मान सकते हैं मतलब अगर आप एटमोस्फेयर में मानते हैं तो अगर आप ये एग्जोस्फेयर मान लीजिए तो उसको आप थर्मोस्फेयर कंसिडर कीजिए ठीक है तो इसको अपन बात करते हैं तकरीबन तीन से छह मीटर की और ये डेप्थ ग्रेटर देन फोर मीटर अगर आ गया तो जाहिर सी बात है कौन से उसमें आया 3000 से 6000 मीटर के बीच में आया ठीक है तो ये कौन सा आया आपका यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑलराइट नाउ प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय लिविंग बीइंग इज नोन एज ऑफ कोर्स इसमें हम जानते हैं कि भाई प्रोडक्शन ऑफ लाइट जो कि लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस ठीक है बायोल्यूमिनसंस कहते हैं बायो लाइटनिंग नहीं कहते बायो फ्लोरिस नहीं कहते बायोल्यूमिनस उसको कहा जाता है ल्यूमिनसेंस अगेन जैसे मैंने कहा कि कई बार अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती ना अगर सिर्फ वर्ड को टर्मोलॉजी को सुन लोगे समझ लोगे तो ज्यादातर मतलब समझ में आ जाएगा ल्यूमिनसेंस का मतलब जो होता है उसका मतलब ही यही होता है कि आपको लाइट या अगर आप बात करते हैं रोशनी से रिलेशन है उसका ठीक है फ्लोरिस एक अलग चीज हो जाती है फ्लोरिस इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट लाइट एंड लाइटनिंग ऑफकोर्स अपने आप में लाइटिंग या लाइटनिंग भी अपने आप में एक अलग चीज हो जाती है

रिक्टर स्केल ठीक है रिक्टर स्केल और सबसे ज्यादा किसको माना जाता है नॉ रिक्टर स्केल हाईएस्ट मान लिया जाता है मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब अगर आप सबसे बड़ा अर्थक्वेक इंडिया में अगर आप बात करते हैं तो आपको मालूम है आसाम में जो अर्थक्वेक आया था उसको कंसिडर किया जाता है ठीक है जो सेस्मिक गतिविधियां होती हैं उस पर काउंट करते हैं तो आसाम का जो अर्थक्वेक था वो सबसे भयावह माना जाता है और अगर आप उससे भी ज़्यादा अगर काउंट करते हैं अगर रिक्टर स्केल पे अलग अलग बात कर लेते हैं लेकिन अगर जान माल का नुकसान की बात करते हैं तो भुज में जो जो अर्थक्वेक आया था जो आपको मालूम है गणतंत्र दिवस के दिन आया था उसको सबसे बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी अभी रिसेंट टाइम का बहुत बड़ा माना जाता है जापान में अक्सर अर्थक्वेक आ जाते हैं तो जैसे उसको क्या बोला जाता है सेस्मोग्राफिक uh, गतिविधियों की वजह से होता है या सेस्मोग्राफिक मूवमेंट की वजह से होता है तो आपको समझ में आ गया कि हम किस पे पे नापते हैं इसको सेस्मोग्राफ पे ठीक है बैरोमीटर हमको मालूम है एटमॉस्फेयर रीड करने के लिए होता है रेडियोमीटर आपको मालूम है इंडेंसिटी ऑफ रेडियो एनर्जी को मेजर करता है रेडियो एक्टिव एनर्जी को मेजर करता है ठीक है अब बेसिकली जब हम बात करते हैं अब हम आ जाते हैं कि यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी का किस में मेजर होता है रेडियो एक्टिविटी जब हम ये बात करते हैं कि यूनिट की कौन सी बात आ रही है तो उसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है आपने रेडियो एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो नाम सुना होगा सबसे ज़्यादा फेमस नाम जो आपने सुना होगा वो आपने सुना होगा मैडम किन का बताइए मैडम क्यूरी का ठीक है अब मैडम क्यूरी के अलावा एक जो नाम आ जाता है वो आ जाता है इन जनाब का जिनका नाम है जो बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था William Ronjan. विलियम रॉन्टन जो थे बेसिकली अगर इनकी बात की जाए तो ये इन्होंने जब रेडियो एक्टिविटी की बात की इन्होंने स्टडी की सबसे पहले जिस बात पे बात हो रही है वो जो सबसे बड़ा इनका शो था वो ये था कि इन्होंने बात की एक्सरे के ऊपर ठीक है एक्सरे के ऊपर जिन्होंने जब इन्होंने कहा कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिससे ना सिर्फ लकड़ी का बल्कि बोन्स का बल्कि कोई ओपेक सर्फिस जो है उसके क्रॉस भी देखा जा सकता है तो ये थ्योरी जो है वो लाइक ऑन विलियम रॉन्टिंग Do get? Uh, इनकी जब हम बात करते हैं रॉन्जन की जब रोनजन बोलते हैं इनको एक्चुअली दिस इज़ अ बाहर का टर्मोलॉजी है इसको बहुत सारे प्रोनान्सिएशन इसके हो सकते हैं इनको बेसिकली रौनजन भी बोलते हैं कुछ रौनजन भी बोलते हैं अलग अलग इसके कॉन्वर्सेशन इसके अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं हम इसको रौनजन बोलते हैं और इसमें हम कंसिडर करते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी सबसे बड़ी बात जो है ये नाइनटीन या नाइनटीन में अगर आप मानते हैं कि उनको फिजिक्स में इनकी इसी इसी खोज की वजह से इसी कंट्रीब्यूशन uh, की वजह से इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर और इन्हीं इन्हीं के uh, को वो करते हुए ऑनर करते हुए इसका जो यूनिट का नाम है उसको कहा जाता है रॉन्जन ठीक है डेसिबल ऑफ कोर्स यू नो डेसिबल हमें मालूम है कि आपको नॉइस का किस जिस पर सुन सकते हैं आप उसका यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है न्यूटन ऑफकोर्स आपको मालूम है जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करेंट की ठीक है तो नोबेल लोरिया थे ये नोबेल प्राइज दिया गया था इनको और इनके ऑनर में इसका यूनिट का जो नाम है वो रखा गया है सो वी नो कि रोंजन की बात हो रही है और उसका जो यूनिट होता है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए बोला जाता है मतलब रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो उनके नाम पे रखा गया है नाउ अगर हम बात करते हैं रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबव 400 किमी एंड हायर इज नोन एज हिमन अभी आपको बताया भी था इसमें अगर मोटे मोटे तौर पे अपने एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का अगर, अगर हम सरफेस देखते हैं ठीक है इसमें अगर ट्रोपोस्फियर अगर हम कंसिडर करते हैं तो मैं यहां लिख देती हूँ आप तकरीबन आठ से दस किलोमीटर तक का ट्रोपोस्फियर कंसिडर कीजिए ठीक है अगर हम स्ट्रेटोस्फियर कंसिडर करते हैं तो आप इसको मान लीजिए दस से तीस के आसपास का तकरीबन मोटा मोटा राइट मेसॉस्फियर की अगर हम बात करते हैं तो हम तकरीबन मान लेते हैं इसको तीस से पचास किलोमीटर तक का ठीक है अगर हम थर्मोस्फियर कंसिडर कर लेते हैं तो ये कहा जाता है इसको तकरीबन बोला जाता है पचास से लेकर फिर ये चार किलोमीटर तक का हो जाता है ठीक है मतलब ये जो है ये आ, बढ़ती जा रही है जो स्केल है इसका अपग्रेड होता जा रहा है ठीक है ट्रुपोस्फेयर जो है सबसे कम माना जाता है आठ से दस माना जाता है हमारे बादल बादल रहते हैं यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर आपको मालूम है कि हमें मालूम है कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो स्ट्राटोस्फेयर में है ठीक है तो वो तकरीबन आप मानते हैं दस से तीस किलोमीटर ऊपर तक उसके ऊपर आपको मालूम है मिसोस्फेयर जिसमें आप तीस से पचास माना जाता है उसके ऊपर आ जाता है आपका छरमोस्फेयर जो कि पचास से चार सौ होता है और चार सौ से ऊपर का जो माना जाता है वो माना जाता है अबब फोर हंड्रेड माना जाता है आपका एग्जॉस्फेयर और यही कारण है कि कई साइंटिस्ट इसको प्राइमरी स्केल या प्राइमरी लेयर नहीं मानते एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर मानते हैं राइट और क्योंकि कहा जाता है यहाँ से फेड हो जाता है आउटर स्पेस में तो आपका आंसर मालूम है इसका जो आंसर है वो है एग्जॉस्फेयर अब बात कर लेते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बड़ी मज़दार सी मूवी थी उसके बारे में बात करते हैं इसका नाम था मूवी का हैप्पी फीट ठीक है हैप्पी फीट करके मूवी थी इसमें आ, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी थे मतलब इसमें यू जैकमिन था निकोल किटमिन थे और इसमें रॉबिन विलियम्स थे रॉबिन विलियम्स अगेन वन ऑफ दी फाइनेस्ट ऑफ कॉमीडियस इन द वर्ल्ड हैज़ नोन राइट अगर आप उनकी मूवीज देखते हैं अगर मिसेज डाउट फायर से लेकर आप इनफैक्ट अगर उनका काम देखते हैंपी फीट में भी तो भी आपको पता चलेगा दैट दिस हैज बिन अ फिनल मूवी एंड बड़ी uh, ये जब मैंने आपको लाइफ स्किल्स पढ़ाया था तब मैंने आपको उनके बारे में बात की थी और रॉबिन विलियम के बारे में मैंने आपको बात की थी दैट वन ऑफ़ द फाइनेस्ट कॉमेडियंस ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने दुनिया को इतना हंसाया सब कुछ किया एंड देन ही सफर्ड फ्राम डिप्रेशन ना सिर्फ डिप्रेशन और उन्होंने सुसाइड कर लिया था राइट अभी अगर बैक टू इंडिया अगर हम देखते हैं तो अभी हम राजू श्रीवास्तव के बारे में जानते हैं ना कितना ज़्यादा हम बात करी है हमने कितना ज़्यादा वो कॉमेडियन है कितने फेमस कॉमेडियन है कितने ज़्यादा उनके शोज़ आते हैं सब कुछ आता है और अभी आपको मालूम है कि वो कितने ज़्यादा क्रिटिकल हैं और वो कितना ज़्यादा सफर कर रहे हैं वो एम्स में भर्ती थे उनको हार्ट अटैक आया था कार्डियक उनको बहुत ज्यादा स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से वो भर्ती थे जिसमें से हंड्रेड परसेंट उनको आपको मालूम है कि एक जो उनकी ब्लॉकेज है वो पाया गया और ये जो चीज है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लोग जो है कंसिडर नहीं कर पाते फ्लिप साइड टू लाइफ खैर लेकिन ये अब थोड़ी गंभीर बात हो गई इसको छोड़ देते हैं हम हैप्पी फीट में जब हम बात करते हैं तो हैप्पी फीट में एक्चुअली मेल पेंगुइन रहता है जो एक बहुत ही मज़ेदार सा गाना गाता है मतलब उसका एक बहुत ही हैप्पी सॉन्ग और हैप्पी जिसको बोलते हैं टैपिंग सॉन्ग रहता है जिसके लिए फेमस है ये ठीक है और हैप्पी फीट Uh, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी uh, सारी अच्छी स्टार कास्ट थी काफ़ी अच्छी मूवी थी मतलब अगर इसका आप बात करते हैं बहुत सक्सेसफुल थी आई रेटिंग तो उतनी ज़्यादा हाई नहीं थी इसकी मतलब आप मान लीजिए कुछ सिक्स सिक्स एंड हाफ कुछ आई रेटिंग थी इसकी <coughs> लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफिस पर देखते हैं तो सौ मिलियन के आसपास के अगर ये बजट पर बनी थी तकरीबन तो थ्री मिलियन से ऊपर ज़्यादा इसने बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड कमाया था ठीक है अब हैबी फीच ये स्पीशीज ऑफ पेंगुइन जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे वो एंटार्टिका के कॉन्टिनेंट में एक पेंगुइन स्पीशीज की बात हो रही है और वो सबसे बड़े पेंगुइन स्पीशीज की बात हो रही है जिसके बारे में हमने आ, फाइलम में पढ़ा था जब हमने पढ़ा था जब हमने किंगने मैनीमिया में पढ़ा था और इसमें बात हो रही है एम्परर पेंगुइन की ठीक है तो ये बेसिकली क्या है कौन सी स्पीशीज ऑफ पेंगुइन पे बात हो रही है एम्परर पेंगुइन के ऊपर ये मूवी बनी है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्ज़र्व किया जाता है इसकी जो तारीख है बेसिकली दो फरवरी को को सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों किया जाता है ये बात जो पूरी दुनिया के लोग जो थे वो एकजुट हुए थे उन्होंने समझा कि भाई वेटलैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है हमें बेसिकली हमें अलग अलग जो इको सिस्टम्स हैं टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम्स और एकटे इको सिस्टम्स हम लोग बचाना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं क्लाइमेट को बचाना राइट तो इसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई थी और उसके बाद ये बात तय की गई थी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है Observe किया जाएगा फरवरी दो को अब ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग है इसके बारे में शायद आपको उतना आइडिया नहीं होगा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज भी होगा आपको एल्गी प्लांट एग्रीकल्चर वो सब ठीक है लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रफ टोलोलॉजी की एग्रॉस्टोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है हम अलग अलग तरह की ग्रासेस के बारे में बात कर रहे हैं राइट right? तो अगर आपको मालूम है कि किसके बारे में बात हो रही है अगर हम एग्रोस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंड डिफरेंट वेराइटीज एंड वाइडेस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ दी फॉफ ग्रासेज इन द वर्ल्ड और इसी में अगर हम बात कर लेते हैं अब एक और चीज़ की कि अगर हम बात करें एनिमेटोलॉजिस्ट की तो एनिमाटोलॉजिस्ट एनिमोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं एनिमोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं द प्रेशर एंड द एवरीथिंग ऑफ द एवरीथिंग रिलेटेड टू विंड जब हम विंड की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसकी एनिमोलॉजिस्ट की एनिमोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं मूवमेंट ऑफ विंड प्रेशर ऑफ विंड कितना उनका जो रफ्तार है विंड की वो क्या है अगर उसकी स्टडी की आप बात करते हैं तो एनिमोलॉजिस्ट करते हैं ठीक है तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई हमने काफ़ी सारी टर्मोलॉजीज भी डिस्कस कर ली हैं अब हम बात कर लेते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ पर है ठीक है इसको कहाँ पर है कहाँ पर आता है इसके बहुत सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं विजिट करते हैं बहुत लिहाज से कमर्शियल लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हाइड्रो पावर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये है आपका मणिपुर में है आपका लोकटक लेक ठीक है तो आपका जवाब जो है वो है बी लोकटक लेक नाउ डू यू नो दी फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया अकेला नेशनल पार्क अगर फ्लोटिंग पार्क की बात करते हैं पूरी दुनिया में जो कि नॉर्थ ईस्ट में है भारत के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं भारत के तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं बहुत सारे ऐसे जिसको कहते हैं ना बहुत सारे छुपे हुए ऐसे हेवंस हैं जहाँ पे लोग अभी तक नहीं गए हैं जो कि बहुत सिक्ल्यूडेड हैं और बहुत ज़्यादा अभी जहाँ पे कमर्शलाइज भीड़ होना चालू नहीं हुई है तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो केबल लामजाव नेशनल पार्क जो है वो अकेला फ्लोटिंग पार्क कहलाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में में, स्थ, में स्थित है और पूरी दुनिया का अकेला फ्लोटिंग पार्क ये कहलाता है now sangai is an endemic rare and endangered subspecies of brow antlered deer और किस स्टेट में पाया जाता है एंडेमिक जब हमने लिख दिया तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जब मैंने आपको बताया था एंडेमिक एंडेमिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एक ही पर्टिकुलर जगह पे या क्षेत्र में पाई जाती है दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती है ना ये मैंने आपको पिछली बार भी जब बिगनर्स का सेशन हमने किया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि इंडिजिनस में और एंडेमिक में फ़र्क होता है इंडिजिनस मतलब होता है लोकल स्थानीय और एंडेमिक होता है कोई ऐसी चीज़ चाहे वो फ्लोरा का हो चाहे फोना का हो जो कि एक क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है उसके अलावा कहीं और नहीं पाया जाएगा तो जब हम आयुसीएम की रिपोर्ट्स की बात करते हैं या अगर हम कोई रेटिंग्स की बात करते हैं या हम बायोडावर्सिटी डायो हॉटस्पॉट की जब हमने बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि एंडमिक होना उसमें कई बार कितनी एंडेमिक प्रजातियां वहां पर पाई जाती हैं ये बहुत बड़ा एक तरह से याडस्टिक बन जाता है ठीक है तो वो कौन से उसमें बात कर रहे हैं अगेन जो है हम मणिपुर में बात कर रहे हैं मणिपुर में पाया जाता है जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भारत के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी दुनिया से छुपी हुई हैं जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है जहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह सैलानी वगैरह नहीं जाते हैं और जो अभी भी वो जन डेस्टिनेशन के तौर पर सेफ हैं राइट तो ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं मणिपुर में और मणिपुर के अलावा वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते अब बात कर लेते हैं छब्बीसवें पे आ जाते हैं रामसार या रामसर कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको इंटरनेशनल ट्रीटी है कंजर्वेशन की एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड वॉट डज रामसार रामसार की जब बात करते हैं तो बेसिकली 1971 में ये ट्रीटी हुई थी जिसमें इसके आसपास की जो जगह थी उसको बचाने की संरक्षण की बात की गई थी और वेटलैंड को बचाने के संरक्षण की बात की गई थी इंटरनेशनल ट्रीटी थी ये ठीक है और नाम जो है आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अलग सा नाम है अगर आपको ऐसा भी लग रहा होगा अगर आप ये भी समझ पा रहे हैं कि भाई शायद किसी जगह का नाम है जहाँ पे ट्रीटी की गई है तो वो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं रामसार जो है प्लेस है रामसर इज़ अ सिटी बट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन राजस्थान ऑफ इंडिया जो कि नॉर्मली लोग लिख देते हैं इट इज़ इट इज़ देर इन ईरान ईरान का एक शहर है जहाँ पे कन्वेन्शन हुआ था 1971 में और उसी के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया है तो बेसिकली इट्स अ रैमसर कन्वेंशन जो कि एक सिटी के नाम पर रखा गया था Which of these areas has been designated as the area with the greatest concentration of marine biodiversity on planet Earth? Mm -hmm. सबसे बड़ी मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे देखी जाती है इस जगह पे सबसे बड़ी खासियत जो है इसकी इसके 1411 आइलैंड्स माने जाते हैं ठीक है आइलैंड्स माने जाते हैं और इन आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा मरीन बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है यहाँ पे इसी वजह से देखी जाती है और इस फैक्ट इसके लिए अगर आप बात करते हैं तो इसको बायोडाइवर्सिटी का स्पॉट भी बोला जाता है या इसको आप कह सकते हैं पूल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है अलग अलग नाम से स्थानीय लोग इसको और भी अलग अलग नाम से जानते हैं बंच ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है या पूल ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है या जिसको आप कहते हैं कि सबसे बड़ा संग्रह जो है बायो का भी इसको कहा जाता है या लाइफ फॉर्म्स का सबसे बड़ा जिसको आप कहते हैं संग्रह भी जो है इसको कहा जाता है तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली राजा अम्पट की इंडोनेशिया में ठीक है राजा अम्पट की हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया में और इसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा मरीन बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा अगर कहीं पे स्त्रोत माना जाता है पूरी दुनिया में तो इसी को माना जाता है द दस ऑफ

बहुत अलग-अलग एंडेमिक -अलग अलग स्पीशीज पे वो स्टडी करना चाहते थे शोध करना चाहते थे और इस पे उन्होंने बेसिकली उनका जो मोटिव था वो क्या था कि साउथ अमेरिका में जो भी स्पीशीज पाई जाती है कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में ठीक है उनका मकसद था कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली स्पीशीज सो कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली स्पीशीज पे वो स्टडी करने की बात करते थे ठीक है ये उनका मतलब था अब इसमें से बात हुई थी कि कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में जब उन्होंने बात करने की बात की तो इसमें से कौन सा ऐसा आइलैंड था जिस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की अब बाकी सारे आइलैंड्स जो हैं वो तो आप फिर यहाँ काट ही दीजिए ठीक है नाम जब आ गया है साउथ अमेरिका तो आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं गैलाज गैलापजोज आइलैंड की जो कि एक आर्कब्लजोज हैं कहाँ पर पाए जाते हैं एक्वाडोर में कहाँ पर एक्वाडोर में पाए जाते हैं और ये कहाँ पर है पैसिफिक में लाए करते हैं एक्वाडोर में पाए जाते हैं और एस पैसेफिक ओशन में लाए करते हैं राइट right? तो वहाँ पे बहुत सारी एंटमिक स्पीशीज जो हैं वहाँ पे थी और उनको वो स्टडी करना चाहते थे चार्ल्स डाविन और वहाँ पे वो गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है दोनों ही लेवल पर क्योंकि यहाँ पर नाम आ रहा है चार्ल्स डाविन का और दूसरी बात आ रही है वॉइस ऑफ बीगल्स की ठीक है तो उसको आपको मालूम है आपका आंसर जो है वो है डी ग्यार्ज आइलैंड एक्वाडोर पैसिफिक इन पैसिफिक ओशन नाउ अभी जब हम बात करते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बेसिकली सिक बिल्डिंग सिंड्रोम नाम से समझ में आ रहा है आपके हालांकि तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये मैं आपको बढ़ा इसलिए रही हूं क्योंकि नाम जो है अपने आप हाँ में सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है जब लोग जो है एक लेवल पे जब पहुँचते हैं और वो रेगुलरली किसी एक बिल्डिंग में जाते हैं या रेगुलरली किसी एक स्पेस में काम करते हैं इंडोर स्पेस में और वहाँ पे उनको सफोकेशन या जिसको आप कहते हैं कि अनईजीनेस फील होती है या डिसकम्फर्ट फील होता है या वो अपने आप को नॉर्मल फ़ील नहीं करते हालांकि कोई मेडिकल ऐसे आप नहीं कह सकते कि कोई मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती है बट वेन दे फील सफोकेटेड इन अ पर्टिकुलर प्रमाइज और इंडोर एक्टिविटी इंडोर जगह पर

दो तरह की एनर्जी अगर हम पाते हैं तो किसको बोलते हैं पोटेंशियल और एक होती है काइनेटिक है ना तो लेटेंट एनर्जी किसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को मतलब क्या है जब बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी जब मूवमेंट्स में आई तो क्या हो गया काय में कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में अगर आप ये बात करते हैं तो ये आपको एक्चुअली समझ में दिक्कत आती है जब आप स्टडी करते हैं विंड टर्बाइन और बाकी चीज़ों का मूवमेंट राइट right? तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट में कंसिडर किया जा रहा है फिजिक्स का पार्ट है ऑफकोर्स यू नो दैट जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है और ये जो है अगर उसने बॉल नीचे फेंक दी तो पोटेंशियल एनर्जी काय में ट्रांसफॉर्म हो गई कैनेटिक एनर्जी में ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया है तो वी आर डीलिंग विद पोटेंशियल एनर्जी अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है हम बात कर रहे हैं यूनैप की यूनैप जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है विंग है जो कि पूरा का पूरा फोकस करता है इन्वायरमेंट के ऊपर और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हजर्त से रिलेटेड बातें करता है और इन्वायरमेंट की से जुड़े हुए शोध करता है स्टडी करता है सब कुछ जो है वो सब कुछ जो है इसको किस तरह से आपको उसका संरक्षण करना है कैसे आपको उसको काम करना है वो सारी की सारी चीजें जो है आपको बताता है तो ये क्या है बेसिकली एन्वायरमेंट है एन्वायरमेंट से रिलेटेड है और एन्वायरमेंट का जो प्रोग्राम है ठीक है यूनाइटेड नेशंस एन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है मतलब प्रोटेक्शन भी इसका एक पार्ट है ठीक है कॉन्जर्वेशन एंड प्रोटेक्शन भी इसका एक पार्ट है ना जो है वो यूनाइटेड नेशन एन्वायरमेंटल प्रोग्राम है इसको हम बोलते हैं यूनैप और दो से भारत भी इसका आ, इसमें इन्वॉल्व है भी इसका मेंबर है ठीक है अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है नरोबी कीनिया में ठीक है नरोबी में इसका हेडक्वार्टर है ये आपको क्लियर हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने पहले भी कहा था कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो हैं स्पेशली जब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जब हम बात करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं तो उसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है नेम द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अंडर ऑफ यूनाइटेड दैट नोबेल पीस प्राइस विद एलगोर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ये जो है ये मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट आई हैं ठीक है इसकी जो छठवीं असेसमेंट रिपोर्ट है उसके ऊपर हमने दो शॉर्टी नोट सीरीज किए हैं नॉट इवन वन हमने दो शॉर्टी नोट सीरीज किए हैं जिनपे इन्होंने बहुत ग्लैरिंग फाइंडिंग्स बताई हैं जिसमें इंडिया को भी इन्होंने वनरेबल स्पॉट बताया है इनकी छह जो फाइंडिंग्स मानी जाती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें चर्चा का विषय रहती है पैलेस कन्वेंशन से लेके कोप ट्वेंटी तक अगर आप कंसिडर करते हैं तो इन्हीं की वजह से इन्हीं की फाइंडिंग्स के पे बेसिस है क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो पहली इनकी फाइंडिंग आई थी उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया था राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका जिसको आप कहते हैं इन्वॉल्वमेंट या बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फाइंडिंग की जो रिपोर्ट है वो मानी जाती है और बहुत क्रेडिबल मानी जाती है और बहुत ग्लैरिंग फाइंड्स है मतलब ग्लैरिंग फाइंड्स इतने हैं कि इन्होंने ये बोल दिया था कि अगर ट्वेंटी जब आप बात करते हैं ट्वेंटी वन हंड्रेड के आने तक इंडिया या वर्ल्ड की यह हालत हो जाएगी कि बहुत सारे जो जो देश हैं बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इकोनमीज़ हैं कंट्रीज़ हैं वो डूब जाएंगी ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ़ द क्लाइमेट चेंज और आपको मालूम है उन्होंने कह दिया था कि तीन डिग्री तक जो है तीन डिग्री सेल्सियस तक हमारा सी का जो इमिशन है या कार्बन जिसको आप बोलते हैं कार्बन इमिशन है वो बढ़ सकता है जिसकी वजह से तीन डिग्री तक जो टेम्परेचर है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है जो बढ़ सकती है और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया अगर इसको 2050 तक या मैक्सिमम जो लिमिट बाकी कंट्रीज ने साउंड है वो 70 तक की है 2070 तक कंट्रोल नहीं किया गया तो लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना एर्थ पे मुश्किल हो जाएगा ठीक है ये रिपोर्ट इन्होंने दी थी और इसका नाम गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज आई ठीक है तो आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का गो टू नंबर कौन चेयरमैन थे आईपीसीसी के 2007 में जब नोबेल पीस प्राइज इनको मिला ठीक है आईपीसीसी के प्रेसिडेंट अगर हम बात करते हैं तो 2002 से लेके 2015 तक जो व्यक्ति रहे हैं वो बहुत हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि वो भारतीय मूल के रहे हैं राइट और उनका 2020 में उनका नई दिल्ली में निधन हो गया फरवरी 2020 में और अगर आप बात करते हैं इनकी तो इनके बारे में एक और बात बोली जाती है कि इनके इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है नैनीताल में इनका जन्म हुआ था भारत में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर और दो में इनका निधन हो गया इनका नाम है आर के पचौरी आर के पचौरी आर के पचौरी जो थे वो चेयरमैन थे आईपीसीसी के जब इनका कन्वेंशन हुआ था और इसमें जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत अहम भूमिका जो है वो मानी जाती है ना ओपेक की अगर हम बात करते हैं तो ओपेक अगेन आपको मालूम है कि हम जब बात करते हैं किन की बात हो रही है ओपेक के नाम आता है तो हम समझ से पहले समझ में आ जाता है कि हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज <coughs> जो कि फाइन जो कि कब बना था 14 सितंबर 1960 को बना था और कौन सी कंट्री कौ, जो थी इसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं थी पांच कंट्रीज के साथ ये बना था तो इसमें ईरान इराक कुवैत अरब और कौन सी कंट्री थी वेनेजुएला ठीक है इतनी कंट्रीज के साथ ये बना था तो उसमें नाम क्या है ईरान ये सारी आपको मालूम है ऐसी कंट्री हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल मिलता है ईरान इराक अरब कुवैत एंड वेनेजुएला, ठीक है ये इसकी पांच फाउंडिंग कंट्रीज मानी जाती हैं पांच फाउंडिंग कंट्रीज़ इसकी मानी जाती हैं तो इसमें से कौन सा नाम जो है आप बताइए कि वो नहीं है जो इसकी फाउंडिंग मेंबर नहीं था तो ऑफकोर्स हमें मालूम है कि हम बात कर रहे हैं कतर की ठीक है कतर जो था वो उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था अब 2040 में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो सकती है कितनी एक्सपेक्टेड है टू राइज अब बात सिंपल सी हो रही है कि जब हम बात करते हैं कि 2040 मतलब ये आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी डिस्टेंट फ्यूचर हम बहुत आगे के समय की बात नहीं कर रहे हैं हम हार्डली आठ साल आगे की बात कर रहे हैं जिसमें इसी इसी रिपोर्ट के हिसाब से जिसमें ये आकलन आया है इसी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो उनका ये आकलन था कि दो तक 2025 तक इंडिया की आबादी जो है वो चाइना को पीछे छोड़ देगी अभी चाइना जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री मानी जाती है सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री मानी जाती है नॉट इवन डेंसली मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी वहीं है बट ऑफकोर्स वी ऑल्सो नो दैट चाइना की अगर हम बात करते हैं जोग्रफिकल साइज की तो वो इंडिया से कई गुना ज्यादा बड़ी कंट्री भी है रशिया के बाद अगर आप बात करते हैं तो चाइना कैनेडा यूएस ऑस्ट्रेलिया यही कुछ कंट्रीज हैं जो इंडिया से जोग्राफिकली इतनी बड़ी हैं तो चाइना इंडिया से कम से कम तीन गुना बड़ा होगा जोग्रफिकल साइज में तकरीबन तीन गुना बड़ा ठीक है और उसके हिसाब से उनकी आबादी हमसे ज्यादा है लेकिन आकलन के हिसाब से 2025 तक हम उन्हें इसमें पीछे छोड़ देंगे ठीक है है और ये बात के ही जा रही है कि और 2040 तक हमारी आबादी जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां तक पहुंच जाएगी वो पहुंच जाएगी तकरीबन नौ बिलियन तक ठीक है तो नौ बिलियन का आंकड़ा जो है मान के चला जा रहा है नाउ प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर जो है एज अ टाइगर कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार ने इसको लॉन्च किया था और इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि बात की जा रही थी कि पॉपुलेशन जो है वो डिप्लीट होती जा रही थी टाइगर की और टाइगर आपको मालूम है हमारा नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर को बचाने के लिए इसकी बात हुई थी नेचुरल हैबिटेट्स में उसको बचाया जाएगा एक्सटेंशन से रोकने के लिए ठीक है और इसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था इसको मैं आपको एक और बैकग्राउंड बताऊं कोई चीज़ हम जब स्टोरी के के, के हिसाब से समझते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा रह जाती है अगर आप आंकड़े सीधे याद करने की रटने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आप भूल जाते हैं स्टोरी के हिसाब से अगर आप समझें तो मैं आपको एक बात बताती हो कि ये जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ठीक है और जवाहरलाल नेहरू को भी और इंदिरा गांधी को भी बहुत पसंद थे बहुत बहुत प्यार था उनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से उनका जो ये जो मुद्दा था ये पूरा इनिशिएटिव था उनके दिल के बहुत करीब था मतलब टू एन एक्सटेंड कि आपको मालूम है कि जब वो तीन मूर्ति भवन में रहते थे तो एक बहुत पिक्चर वायरल होती है अक्सर जवाहरलाल नेहरू की पंडित नेहरू जी की जिसपे वो टाइगर के जो कब्ज हैं उनके साथ खेल रहे हैं और वो टाइगर के जो कब्स थे आपको मालूम है तीन मूर्ति भवन में उनके घर में रखे गए थे तब तक जो ये था कि रूल नहीं बना था कि आप वाइल्ड एनिमल्स को इंडिया में नहीं रख सकते और

सेफ टाइगर हमारा बहुत ही सही मिशन रहा है बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है और आज की डेट में पूरी दुनिया में पूरे विश्व में में भारत में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या है टाइगर्स की ठीक है तो ये अगर हम बात करते हैं ट्वेंटी से ज्यादा टाइगर्स जो हैं वो भारत में हैं तो ये एक तरह से उपलब्धि मानी जाती है सेफ टाइगर मिशन की और ये लॉन्च किया गया था 1973 में ठीक है 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर अब हम बात कर लेते हैं नेम इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क ये नेशनल पार्क का नाम आपने जरूर सुना होगा इस नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है आपने शायद यहाँ पे ये नाम नहीं सुने होंगे गिर फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कहाँ पे बात हो रही है गुजरात की बांधवगढ़ हो रही है एमपी की इसमें से आपको एक नाम जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा मानस नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा हेली नेशनल पार्क शायद आपने नहीं सुना होगा लेकिन ये नेशनल पार्क नाइनटीन में स्थापना हुई थी इसकी और बहुत फेमस नेशनल पार्क है इसके ऊपर बहुत सारी किताबें जो हैं वो भी लिखी जाती हैं जिसमें आपको बोला जाता है कुमाऊँ के जंगलों के ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती हैं मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ करके कहा जाता है कि वो इसी पे बेस्ड है तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं किसकी जिम कॉर्बेट की जी हाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो था वो पहले हैली नेशनल पार्क था जो वहाँ के तत्कालीन जो उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस के जो गवर्नर थे हैली उनके नाम पर रखा गया था बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया ठीक है जिम कॉर्बेट कर दिया गया जो कि आपको मालूम है कि कहाँ पर है उत्तराखंड में नैनीताल के पास पाया जाता में है ये नेशनल पार्क और बहुत फेमस नेशनल पार्क है ठीक है कुमाऊं से आप समझ ही गए होंगे वैसे कुमाऊं कुमाऊं रेंज जो है आपको मालूम है गढ़वाल और कुमाऊं जो है वो उत्तराखंड में मानी जाती है तो बात हो रही है हैली नेशनल पार्क की ठीक है ना विच स्टेट इन इंडिया हैज़ गॉट ओन वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू ये मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको नाम देख के ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टेट रहा होगा जिसका अपना अलग से एक पूरा का पूरा एक्ट था जो कि इंडिया के जो एक संयुक्त एक्ट था उसके अंदर नहीं आता था अब ऑब्वसली जो है आपको मालूम है चीज़ें जो है बहुत बदल गई हैं काय के बाद बदल गई हैं जब से आर्टिकल रिपील हुआ है जब से वो स्टाटस जो है स्पेशल स्टाटस जो है छीन लिया गया है हटा दिया गया है और स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गई है घोषित हो गई है तब से चीज़ें बदल गई हैं लेकिन इनिशियली अगर आप बात करते हैं तो अकेला ऐसा स्टेट था जिसका अपना वाइल्ड लाइफ एक्ट था जो कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ में कवर नहीं होता था और आप बात कर रहे हैं कौन से स्टेट की जम्मू एंड कश्मीर की ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड इंडिया का, का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाकी जो एक्ट जैसे पूरी दुनिया पूरी इंडिया पे लागू होता था वो वहाँ नहीं होता था पर तब तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं होती थी अब जब हम हॉलीवुड मूवी की बात करते हैं जुरासिक पार्क जुरासिक पार्क सपने देखी है 1994 में ये पिक्चर आई थी और उससे पहले लोग अगर जानते भी थे डायनोस के बारे में या डायनासॉस के बारे में या टी रेक्स के बारे में तो ये मूवी जो थी उसने घर घर तक पहुंचा दिया था डाइनोस को ठीक है आपको मालूम था कि डायनासोर जैसी कोई प्रजाति एक्सिस्ट करती थी कभी और फिर वो एक्सटिंक्ट हो गई ये सब कुछ आप जानते थे आपने प्री कैम्ब्रियन एरा फलाना झटका ये सब चीज़ें जो थी पढ़े लिखे वर्ग ने सुनी हुई थी पर ये एक मूवी थी जिसने इसको घर घर तक पहुँचा दिया था अगर हम स्पील की उस मूवी की बात करते हैं तो आपको मालूम है अगर वो वन ऑफ दी फाइनेस्ट मूवीज एंड वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपका मोस्टली सक्सेसफुल मूवी कहा कहलाती है वो राइट और जुरासिक पार्क उसके बाद उसके काफ़ी सीक्वल भी आए हालांकि वो उतने नहीं चले तो मेरे ख्याल से नाइन्टीन में वो मूवी आई थी और वो बेस्ड थी एक राइटर की किताब पे जो कि राइटर के का जो किताब का नाम था वो भी जुरासिक पार्क ही था फिर और भी किताबें थी द लॉस्ट वर्ल्ड भी थी और भी किताबें आई हैं उनकी लेकिन सबसे फेमस वर्क था और नाम हो रहा है माइकल क्राइटन का माइकल क्राइटन की अगर हम बात करते हैं तो वो अमेरिकन बेसिकली नॉवलिस्ट हैं उनकी किताब पे ये पूरी की पूरी किताब पूरी की पूरी मूवी बेस्ड थी पर इस किताब की एक और चीज़ हुई कि अगर आप फ्लिप साइड देखते हैं तो इस किताब पे पूरी मूवी बेस्ड थी लेकिन मूवी बनने के बाद ये जो है ये बेस्ट सेलर हो गई थी किताब मतलब अगर आप बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आप बात करते हैं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर में तो सबसे हाइएस्ट उस पर चली गई थी रेटिंग पे किताब मूवी बनने के बाद पहले भी फेमस थी लेकिन बाद में इसका कोई जिसको आप कहते हैं ना इट इट रीच्ड अ न्यू हाइट Now अगर हम बात करते हैं विच इज़ दी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात करते हैं तो कायदे से मिड ओशन माउंटेन रेंज जो है सबसे लॉन्गेस्ट है लेकिन वो समंदर के अंदर है हम बाहर की बात कर लेते हैं तो आपको मालूम है हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका की हम पहुंच जाते हैं सीधे रुख कर लेते हैं हम साउथ अमेरिका का और उसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माउंटेन रेंज की जो कि सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कहलाती है और वो बात हो रही है किसकी एंडीज़ की एंडीज की, की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं ना मतलब इसमें कहा जाता है कि अगर आप एंडीज की बात करते हैं तो उसमें ग्रास लैंड डेजर्ट वोल्केनो सब कुछ आ जाते हैं ठीक है और अगर आप इसकी सिर्फ चौड़ाई की बात करते हैं तो थ्री फोर्टी मीटर्स के आसपास इसकी चौड़ाई मानी जाती है एंडीज की ठीक है तो सबसे बड़ी अगर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड की आप मानते हैं तो आप एंडीज को मानते हैं कंसिडर करते हैं Which country ratified the Kyoto Protocol in late 2004 एंड दस कॉज टू बिकम इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ कोटो प्रोटोकॉल जैसे मैंने आपसे कहा जब मैं आई पी सी सी की बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि आई पी सी सी के असेसमेंट बा, के बाद वो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ठीक है इसको अगर आप बात करते हैं नाइनटीन नाइनटी टू में आ जाइए आप ठीक है वहां से अगर हम बात करना चालू करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में डिस्कशन क्या हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन था जिसके ऊपर पहली बार इतने गहन मुद्दे के ऊपर जो कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ पूरी दुनिया के गवर्नमेंट से आके इस पर डिस्कशन किया और पहली बार पूरी गवर्नमेंट्स ने दुनिया की ये बात मानी कि सी ओ टू का एमिशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिसके कारण हम हैं ठीक है पहली बार इस मुद्दे को इतने बड़े मुद्दे को एड्रेस किया गया कि भाई ये सब जो कुछ हो रहा है दुनिया में ये सब कुछ हमारी ही वजह से हो रहा है और हमें इसको कंट्रोल करना है पहली बार उसके ऊपर इस तरह के डिस्कशन और इस तरह की बातें हुई ठीक है उससे पहले वियना कन्वेंशन वगैरह हुआ था लेकिन फिर भी इतना मुद्दा जो है क्लाइमेट चेंज का इतने इतने जिसको आप बोलते हैं इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ था इतनी बड़ी लेवल पे कि इतने सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इतना इन्वॉल्व था रेटिफाई किया गया दो में जब इसको इंटरनेशनल लॉ के तौर पर देखा गया ठीक है और ये किया था काम रशिया ने ठीक है तो ये आंसर जो है आपका आ जाता है बी रशिया <coughs> द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एटमोसफियर हीटिंग थ्रू द ट्रैपिंग ऑफ री रेडिएटेड इन्फ्रा रेड रेडिएशन इज नोन एज ये हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है इसमें हमने बात की थी किसकी हमने उन गैसेस की बात की थी जो कि क्या काम करते हैं जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करना है दुनिया में लेकिन वो क्या करते हैं जो भी हीट होती है वो जितना ट्रैप करते हैं वो जितना रेडिएट करते हैं स्पेस में उससे ज़्यादा वो ट्रैप करते हैं और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिसको हम हम बोलते हैं क्या जीएचजी ठीक है जीएचजी जिसको हम बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम क्या आता है CO2 का CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं और हम बात कर रहे हैं किसका जीएचजी जब मैंने बोल दिया आपको ग्रीन हाउस गैसेस का तो नाम वैसे ही क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ऑलराइट नाउ टेम्परेट फॉरेस्ट आर लाइकली टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ ट्रीज अब इसमें क्या होता है बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया में सेकेंड अगर आप बात करते हैं बायोम माना जाता है पूरी दुनिया का राइट अगर इनको आप बोलते हैं बीच में पड़ता है कैसे आप ट्रॉपिकल uh, और बोरियल फॉरेस्ट के बीच में पड़ता है टेम्परेट जोन में राइट और सेकेंड माना जाता है मतलब आप मान लीजिए पच्चीस परसेंट जो दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है बायोम है वो यहाँ पे पाया जाता है ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब इससे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ आपको बोरियल में ही पाया जाएगा जो कि थर्टी थ्री परसेंट काउंट किया जाता है पूरे अर्थ का ठीक है तो इसमें अगर आप बात करते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशीज पाई जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें पाइन स्प्रूस ब्रेडवुड सब कुछ पाया जाता है तो आंसर इज बेसिकली ऑल दी अबव The answer is all the above. All the species of these woods and trees are found in temperate forests. Now, इन वट टाइप ऑफ बायो रीजन डिजर्टिफिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू अगर बायो रीजन मतलब आप समझिएगा अगेन जैसे मैं कहती हूँ कि अगर कुछ ना समझ में आए तो एक वर्ड को डिवाइड कर लो बायो मतलब लाइफ और रीजन आपको मालूम है एरिया ठीक है तो लाइफ फॉर्म्स आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वॉट टाइप ऑफ हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल तो या कॉनीफेरेस्ट कौ, की या टेम्परेट की ये तो फॉरेस्ट हो गए ठीक है डिजर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे उतना नहीं मिलेगा डिजर्टिफिकेशन कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं सबसे कहाँ मिलेगा आपको ग्रास लैंड्स में ठीक है तो अगर हम बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ बायो रीजन इज इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन तीनों के अगर मुकाबले आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा किसमें होगा ग्रासलैंड में नाउ ुड एक्टर वॉज दी एम्बेसडर ऑफ दर्थ आर टू था इंडिया अगर अर्थ आर की बात करते हैं आपको मालूम है एक घंटे का टाइम ले लिया जाता है और कई बार होता है कि आपको अपने घर के पूरी पूरी जितनी इलेक्ट्रिसिटी के जो सोर्स हैं वो सारे बंद करने होते हैं आपको ऑब्जर्व करना होता है अर्थ आर ठीक है तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो दो हजार नौ में अर्थ आर के एम्बेसडर कौन थे अर्थ आर के एम्बेसडर जो थे वो बेसिकली थे आमिर खान ठीक है आमिर खान थे और आमिर खान उस टाइम पे वो एक बड़ी अजीब सी चीज है एंड द

अब हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन बी रिकवर्ड रिकवर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक कैंस सॉफ्ट ड्रिंक कैंस तो आपने पी होंगी सारे पीते हैं राइट right? पेप्सी की थम्सअप की फैंटा की कैंस वैंस आप पीते हैं काय की बनी होती हैं वो तो आपको अगर आप कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं अगर आप उसको रिसाइकिल करते हैं अपसाइकिल करते हैं तो उससे क्या बनेगा ऑब्वियसली हमको मालूम है गुस्से मेटल बनेगा ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन इस तरह के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब अगर हम बात करते हैं नॉन पॉइंट पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर वॉटर डिस्चार्ज ऑफ पल्यूटन थ्रू अब नॉन पॉइंट पोल्यूशन ऑफ का मतलब होता है कि जब आप किसी में कंटेमिनेट uh, करने की बात कर रहे हैं रिवर वाटर को लेकिन आप कोई एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पॉइंट पोल्यूशन नॉन पॉइंट पोल्यूशन जब यहाँ पे बात हो रही है तो डिस्क्री जब कोई एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट सोर्स नहीं होता तो हम समझ पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल फील्ड की ठीक है तो उसमें आप बोलते हैं कि वो नॉन पॉइंट पोल्यूशन जो होता है रेवर वाटर का या कंटैमिनेशन ऑफ रेवर वाटर जो हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ दी एग्रीकल्चरल फील्ड तो 48 का आंसर जो है वो है सी एग्रीकल्चरल फील्ड फोर्टी नाइन मैन कोजेज सॉइल कि प्लांटेशन जो है, अगर आप वो करते हैं, तो आपको इरोड है है. है? आप तो होती है या आप कहते थे पहाड़ों को काटते हैं तो सॉइल इरोड होती है या आप कहते हैं जब आप जमीन साफ करते हैं या आप जो फॉरेस्ट लैंड को अगर आप क्लियर करते हैं तो सॉइल इरोजन होता है राइट तो अगर हम बात करते हैं तो उसमें से कौन से ऐसे रीजन हैं जो हम करते हैं या हमारे कारण चीजें परेशानी जो है वो सोइल इरोजन बढ़ रहा है तो उसमें सिंपल सा आंसर अगर हम देखते हैं एक तो सबसे बड़ी बात है सिंपलॉपर प्लाउिंग प्रॉपर प्लाविंग, methods, अगर हम प्लाविंग नहीं कर रहे हैं तो एक वो बहुत बड़ा कारण हो सकता है ठीक है आपको मालूम है कि आप ढंग से अगर जो जमीन है आपको आप प्लाव उसको ढंग से नहीं कर रहे तो आप मिट्टी को क्या कर रहे हैं उसको कमजोर कर दे रहे हैं आप हिला दे रहे हैं उसको ठीक है लीविंग रूट्स ऑफ क्रॉप इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट ये तो कोई रीजन ही नहीं है इससे इससे तो क्यों ही होगा ठीक है ट्रैश फार्मिंग mir yeah. हेवी मशीन्स जब आप हेवी मशीन्स ड्रिल करते हैं तब आप जो एरिया है जब मिट्टी में से आप ज़मीन में से आप खोदते हैं मिट्टी खोद के निकालते हैं या फिर आप पहाड़ों को काटने का काम करते हैं या फिर आप जो जंगल साफ़ करने का काम करते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन्स आप इस्तेमाल करते हैं आप देखेंगे आप पहाड़ों में अगर आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज़ का यूज़ किया जाता है पहाड़ों के वो जो जगह है उसको साफ करने के लिए तो इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन की घटनाएँ वहाँ बहुत अधिक होती हैं इसलिए आंसर जो है

ये पूरी के पूरी आपको मालूम है विपग्यार है ठीक है ये विपगौर चल रहा है इसमें अगर आप बात करते हैं लोअर लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर वॉट रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लाइट इज प्रीडोमिनेंट लोअर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर में कौन सी प्रीडोमिनेंट होगी अगर आप बात करते हैं तीन सौ से ऊपर की जो होगी तीन सौ से ज्यादा की जो होगी वो होगी ठीक है मतलब इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो वो डोमिनेंट होगी अब यहां से हमने किससे स्टार्ट किया है आपको मतलब यहां से मतलब ज्यादा होगी मतलब ये वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड आप डायमेंशन क्या देख पा रहे हैं फोर हंड्रेड फोर ट्वेंटी फाइव फोर सिक्स थर्टी ठीक है तो इसमें से आपको मालूम है कि ग्रेटर जो है 300 से ऊपर की जितनी भी होंगी वो सारी प्रीडोमिनेंट होंगी ऑल राइट रेनबो कलर्स प्रीडोमिनेंट होंगे इसके साथ आ गए हम एंड पे हमने कर लिया इंटरमीडिएट क्वेश्चंस आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी थी उसके साथ हमने एडिशनल जानकारी भी हमको मिल गई है अब मैं बोलूँगी जब हम अचीवर सेक्शन पे जाएंगे तो अचीवर सेक्शन थोड़ा सा टफ़ और लग सकता है तो हमें क्या करना है हमें पूरा इन्वायरमेंट जो है हमें एक बार और अच्छे से रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ना है ताकि वो चीज़ें हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए ठीक है ना इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन है कहीं कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो क्या करना है मैग्नेट वेज पर जाना है magnetbrains.com पे जाना है हमारे जितने भी प्रोग्राम चलते हैं K12 से लेके एन टी एस जो भी हम रन करते हैं वो आपको यहाँ पे आना है आपको ओपन करना है इस तरह का पेज ओपन होगा यहाँ पे जाना है क्लिक करना है इस पे और जितने वीडियोस हमने किए हुए हैं इस पर जैसे एनवायरमेंट है राइट आर एनवायरमेंट में आपको जो भी संख्या है हमारे वीडियोस की वो आपको मिलेगी वो आपको ओपन करना है और इस पर आपको पूरे वीडियोस हमारे लिंक वाइज मिल जाएंगे आपको लिंक वाइज मिल जाएंगे उसके बाद जब वॉच नाउ पे आप जाएंगे ना तो आप इसमें स्क्रोल कर सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पर रोक सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल सेम है राइट यूट्यूब भी बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे जाना है प्लेलिस्ट लिस्ट देखनी है आपको वैसे ही मिल जाएगा एफ बी पे इंस्टा पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है राइट right? कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कोई 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 चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है किसी में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे लिख सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू मैं फिर से सजेस्ट करूंगी कि पूरा इन्वायरमेंट का एक बार वीडियो पढ़ लो ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अचीवर सेक्शन कर रहे हैं खासकर तो उसमें बहुत ज़्यादा सारो नॉलेज होना हमको जरूरी है इन्वायरमेंट जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हमें पूरा कम्प्लीट करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर कवर की जाएंगी एक बार जाके प्ले देखना पूरे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इसके अलावा भी शॉर्टी नोट सीरीज भी एक बार देखना तो और चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी ठीक है ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ हम मिलेंगे अचीवर सेक्शन के साथ You stay tuned and study well. Stay healthy, stay safe, and I'll see you in the next class. Thank you so much.